क्या सच क्या झूठ, प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना के नाम पर हो रही केवल ठगी। आज से कुछ महीने पहले एक सिपाही का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें केवल फॉर्म भरने में उस सिपाही की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। वहीं दूसरा किस्सा 4 तारीख का है जो कि रेजेंसी हॉस्पिटल का है। बिल्लौर सीओ ऑफिस में तैनात सिपाही की रेजेंसी हॉस्पिटल ने कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद सिपाही के घबराए परिजनों ने फॉर्च्यून हॉस्पिटल में कराया कोरोना टेस्ट। फॉर्च्यून हॉस्पिटल में सिपाही की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव है। क्या सच और क्या झूठ, एक ही व्यक्ति की रेजेंसी रिपोर्ट में पॉजिटिव, फॉर्च्यून हॉस्पिटल रिपोर्ट में निगेटिव, आखिर किसकी है लापरवाही? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है, लापरवाह हॉस्पिटल पर कब करेगा स्वास्थ्य विभाग कार्यवाही? इलाज में लापरवाही और इलाज के नाम पर ज्यादा पैसे लेने की विवादों में रहता है रेजेंसी हॉस्पिटल, जिसमें हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने आज लोगों से बात भी की। अभिषेक शर्मा की विशेष रिपोर्ट। यह न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। क्या सच क्या झूठ, आपको बताते चले कि अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आपने देखा होगा एक सिपाही अपनी पीड़ा बता रहा था कि केवल उसने कोरोना रिपोर्ट के लिए फॉर्म भरा जाता, उसने केवल फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के बाद ही उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। क्या सच क्या झूठ, अभी 4 तारीख को सीओ ऑफिस में तैनात एक सिपाही की कोरोना जांच करवाई गई थी रिजेंसी हॉस्पिटल में उस दिन जांच कराई गई, बट लेकिन उनके घर वालों को थोड़ा सा शक हुआ तो उन्होंने रावतपुर स्थित फॉर्च्यून हॉस्पिटल में उनकी जांच कराई। फॉर्च्यून हॉस्पिटल में जांच कराने के बाद उस सिपाही की रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है। क्या सच है क्या झूठ है, एक ही दिन में एक ही जगह अलग अलग जगहों की रिपोर्ट बदल कैसे सकती है? रिजेंसी हॉस्पिटल की माने तो उनके लगातार अलग अलग तथ्यों पे चर्चों पर रहा है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था वहां, तो उन्होंने लोगों को बताया भी था कि कैसे 2 लाख का पैकेज बताकर उन्होंने 4 लाख का बिल थमा दिया। उसके बाद ही 4 दिन बाद दूसरा मंजर सामने आता है कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट एडमिट हुआ था, एडमिट होने के बाद उसकी रिपोर्ट वो खत्म भी हो गया, खत्म होने के बाद भी उसकी बॉडी को रखे हुए थे रेजेंसी हॉस्पिटल वाले और बोल रहे थे कि जब इसको 5 लाख रुपए दोगे तब मैं आपको उनकी बॉडी दूंगा। तो कहां तक ये चीजें सही हैं, इसके बारे में आज हम लोगों से चर्चा करेंगे। आइए मिलते हैं भाइयों से अपने। आप ये बताएंगे कि जो आजकल हॉस्पिटल में रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, निगेटिव आ जाती है, और फिर दूसरे हॉस्पिटल में करो तो भी निगेटिव आ जाती है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अक्सर ये देखा गया है और काफी शिकायतें मिली है वॉल्टोरी कार्टी के अंदर कि जो भी व्यक्ति जो है कोरोना की जांच करा रहा है तो अक्सर उनकी शिकायत है कि पॉजिटिव वालों की निगेटिव हो जाती है और निगेटिव वालों की पॉजिटिव हो जाए, और वही लोग जो लोग पॉजिटिव आए हैं वही लोग जब वहां पर आते हैं प्राइवेट लैबों में तो उनकी जो है रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आ रही है, जिससे लोगों में पैदा हो रही है, ये समस्या दूर करी जाए। जैसे कि अभी रिजेंसी हॉस्पिटल में मामला हुआ कि 4 तारीख को प्रशासन के सीओ ऑफिस में एक सिपाही था, उसने जांच कराई थी और फिर उसके बाद उनके घर वाले एकदम घबरा गए, उन्होंने फॉर्च्यून हॉस्पिटल में उसकी जांच कराई और उसी दिन रिपोर्ट उनकी निगेटिव आ गई, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अब कल प्राइवेट लोगों में थोड़ा दिक्कत इस बात की है कि लोगों वहाँ कोई 2400 ले रहा है, कोई 2500 ले रहा है, तो इसलिए हर आदमी जो है प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जा पा रहा है। जो कोरोना टाइम में रिपोर्ट पॉजिटिव निगेटिव हो जाती है, निगेटिव रिपोर्ट पॉजिटिव हो जाती है, जो हमें जी रहे हैं और हॉस्पिटल्स में जाते हैं वहाँ पता चलता है उनकी पॉजिटिव आई है, दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें तो सिर्फ चिकित्सा के नाम पर व्यापार हो रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल आप जाएंगे तो वहाँ पर आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कोरोना का टेस्ट होगा, उसके बाद वहाँ पर आदमी को पॉजिटिव बता दिया जाता है और वहीं जाके गवर्नमेंटेड या कहीं पर आप सरकारी अस्पतालों में आप चेक कराएंगे तो वहाँ पर आपका वही निगेटिव आता है, तो ये इसमें सब पैसा बनाने का पूरा काम चल रहा है। तो इसमें क्या लगता है किसका खेल है, ये कौन कर रहा है, कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को क्या है? ये लोगों के अंदर सिर्फ एक डर बनाया जा रहा है, बस हमें ये अपनी सुरक्षा रखनी है, अपने आपस में एक दूरी बनाए रखनी है। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।